हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षल मुदिराज और आज का टॉपिक है मसल सोरनेस, मसल पेन आफ्टर वर्कआउट। यानी कि वर्कआउट करने के थोड़ी देर बाद जो मसल्स में पेन होती है उसके ऊपर कैसे हम फास्ट रिकवरी करें, इसके ऊपर आज मैं टॉपिक कवर करूँगा। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर कोई फेस करता है। जो जिम जाता है, वर्कआउट करता है, उसको पता है कि मसल सोरनेस या मसल पेन क्या होता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट है, यानी कि जिनको जिम ज्वाइन करके सिर्फ एक हफ्ता हुआ है या जिम थोड़ी 1-2 महीने हो गए जिम ज्वाइन करके, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है या इतना नॉलेज नहीं है या वर्कआउट और न्यूट्रिशन के बारे में, तो उनके लिए स्पेसिफिक ये आज का वीडियो है कि मसल सोरनेस से हम कैसे फास्ट रिकवरी करें। तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मसल सोरनेस या मस्कुलर पेन क्या होता है। देखो, अगर आप जिम जाते हैं और अगर आप सपोज चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, चेस्ट की एक्सरसाइज एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बेंच प्रेस या डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, तो एक्सरसाइज करते वक्त आप उतनी रेपिटेशंस निकालते हैं जब तक आपको पेन होता है, और वो पेन जब बहुत इतना हो जाता है कि आप बैरली एक दूसरा रेपिटेशन निकाल सकते हैं, तब आप रुक जाते हैं। यानी कि अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आप उतनी रेपिटेशन ही निकालेंगे जब तक आपको वो पेन बेयर कर सकते हैं आप। एक बार वो पेन बर्दाश्त के बाहर निकल जाए तो आप वही रुक जाते हैं और अपना सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक सेट। तो इस सेट को लगाते वक्त जो आपके चेस्ट में पेन होती है, वो उसके अंदर एक केमिकल फ्लूइड बिल्डअप होता है और कैल्शियम बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली आपके मसल्स में ब्लड फ्लो होता है। उस ब्लड फ्लो होने की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरे चेस्ट में एक अच्छा पंप आ गया है, मेरी चेस्ट ग्रो हो रही है। ये सिर्फ वर्कआउट करते वक्त यानी सेट लगाते वक्त ही आपको फील होगा। एक थोड़ी पेन होती है चेस्ट में और वो पेन 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स में कम हो जाती है। इसका मतलब एक सेट लगाया आपने, वो पेन 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स में कम हो गई, और फिर आपने दूसरा सेट लगाया। फिर से जब तक पेन हो रहा है तब तक आप रेपिटेशन निकाल रहे हो। एक अच्छा अच्छा पेन, बुरा वाला पेन नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा एक फील हो रहा है आपको कि हाँ मेरे मसल्स वर्क कर रहे हैं, वो पेन बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आप लगा रहे हो सेट, उसके ऊपर पेन हो गया तो आपने रिरैक कर दिया, फिर आपने अलग सेट लगाया। तो ऐसे करते करते आपने पूरा वर्कआउट चेस्ट का कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आप चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं और आप घर आते हैं, तब आपको बिल्कुल पेन नहीं होता। यानी कि वर्कआउट करने के 1 घंटे बाद आपको इतना फील नहीं होता कि हाँ मेरी चेस्ट इतनी बर्न हो रही है, मुझे इतना पेन फील हो रहा है। आपको अच्छा फील होता है बाय द वे। लेकिन थोड़ी देर बाद यानी कि 7 से 8 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे चेस्ट के पेन थोड़े बढ़ गए हैं। यानी कि वर्कआउट में जब मैं चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहा था तभी का पेन और अभी का पेन, यानी कि 8 घंटे बाद वो थोड़ा बढ़ गया है पेन। लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और आप कर भी रहते हैं इग्नोर, लेकिन 24 आवर्स के बाद यानी वर्कआउट करने के 24 आवर्स के बाद वो पेन इतना बढ़ जाता है कि आप बेयरली मूव भी कर सकते हैं अपनी चेस्ट। यानी कि आप अगर कोई आके आपके चेस्ट पे ऐसे मार भी दे तो आपको इतना जबरदस्त फील होता है कि आप उसे बेयर भी नहीं कर पाते, या फिर आप अपना हैंड भी नहीं उठा पाते, इतना बुरा वो फील होता है। अब ये देखते हैं कि वो ऐसा क्यों होता है। देखिए, अब जब भी आप कोई चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, या ये सिर्फ चेस्ट की एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये हर बॉडी पार्ट के लिए सेम है। डजेंट मैटर कि आप कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, हर बॉडी पार्ट के लिए सेम रहेगा। मैं सिर्फ चेस्ट की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपके मसल फाइबर्स में माइक्रो एक फाइबर्स होते हैं, वो हमेशा ब्रेक डाउन होते हैं। यानी कि जब भी आप अगर इन मेरे 4 फिंगर्स को आप चेस्ट के फाइबर्स की तरह देखो, मैं एक स्ट्रेच पोजिशन पे हूँ, मेरे फाइबर्स भी स्ट्रेच है। जैसे ही मैं एक सपोज बेंच प्रेस लगा रहा हूँ तो मेरे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वापस स्ट्रेच हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच। तो ये जो प्रोसेस होती है जब आप रेपिटेशन लगाते हो, तब वो माइक्रो फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके अंदर एक केमिकल फ्लूइड बिल्डअप होता है, और साइमल्टेनियसली मैंने जैसे पहले बताया था कैल्शियम बिल्ड होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और यही इन्फ्लेमेशन आपको मसल सोरनेस या मस्कुलर पेन के रूप में आपको दिखाई देगा, यानी कि मसल्स पेन आफ्टर वर्कआउट। अब ये कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपने बाइसेप कर्ल्स लगाए होंगे तो आपको आपको फील होता है कि अगले दिन आपके बाइसेप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। जब आप वर्कआउट कर रहे थे तब अपने आपके बाइसेप्स इतने दुख पेन नहीं हो रहे थे, लेकिन अगले दिन बहुत सोर थी बाइसेप्स। तो आप ये क्या कॉमन प्रॉब्लम है? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डजेंट मैटर आप बिगनर है, आप इंटरमीडिएट है, आप एडवांस्ड है। अगर बिगनर से आप और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ बिगनर हूँ और मुझे सिर्फ पेन फील हो रहा है और बाकी जो वर्कआउट करते हैं उनको पेन फील नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। डजेंट मैटर, मिस्टर ओलंपिया भी अगर फिलिप भी अगर एक्सरसाइज करता है तो उसको भी उतना ही पेन फील होता है, लेकिन सिर्फ उन लोग का जो अप्रोच है उस पेन की ओर वो अलग होगा एक बिगनर से।
बिगनर को क्या लगेगा, यार मेरे को बहुत पेन हो रहा है, अगर मैं वापस एक्सरसाइज करूंगा बहुत पेन होगा, मुझसे नहीं होगा और मैं क्विट कर दूंगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग जिम तो जाते हैं लेकिन 1 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनसे वो पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो इसके ऊपर मैं आज आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपका ट्रेनिंग और एक न्यूट्रिशन होना चाहिए कि आप इस मसल रिकवरी को बहुत फास्ट कर दें। सो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट में पहला कवर करूंगा। देखो, न्यूट्रिशन में ईट मोर प्रोटीन सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वर्कआउट के बाद या पूरे दिन, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने फूड में प्रोटीन की जो मैक्रोज है वो हमेशा हाई रखो, यानी कि प्रोटीन कंटेंट फूड में हाई होना चाहिए। जैसे एग्स हो गए, पनीर, दही, चिकन, फिश, जितने भी प्रोटीन रिच फूड है वो हाई रखो। और वर्कआउट के बाद आपको तो प्रोटीन चाहिए ही। अगर आप वर्कआउट के बाद यही गलती करते कि अगर आप खाएंगे नहीं यार कुछ अलग कुछ भी खा लिया, तो मसल पेन तो होने वाला है, आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए कि वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद आपको प्लेंटी प्रोटीन खाना ही होगा। सेकेंड टॉपिक है, सॉरी सेकेंड मेरा ये आइडिया है कि ईट ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी बिफोर वर्कआउट। अब रिसर्च ने देखा है कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं बिफोर वर्कआउट 300 से 400 मिलीग्राम तक, उनका मसल पेन कम दिखा गया है। ये सिर्फ रिसर्च है, कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, लेकिन बहुत जो यूट्यूबर्स हैं और बहुत जो रिसर्च किए हैं लोगों ने, उन्होंने भी यही बताया था कि जो वर्कआउट के 20 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी यानी कि सिर्फ गर्म पानी और उसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डाल के पियेंगे तो उनको मस्कुलर पेन कम फील होता है। थर्ड है कि ईट क्रिएटिन सप्लीमेंट। अब क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या है और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, अभी इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है, मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्रिएटिन नहीं ले रहे तो आप क्रिएटिन स्टार्ट कर दो। फोर्थ है ईट फूड विथ मोर फिश ऑयल। अब फिश ऑयल क्यों? देखो, फिश ऑयल में ओमेगा 3 होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये एक एंटा इन्फ्लेमेटरी फूड है जो आपको इन्फ्लेमेशन, जो मैंने जैसे पहले बताया था कि इन्फ्लेमेशन बिल्डअप होता है आपके एक टारगेटेड मसल में, वो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत मदद करता है। जो जितने भी एंटा इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं वो आप ले सकते हैं और आप लेने भी चाहिए उनको। और लास्ट है कि ईट मोर BCAAs, ईट फ्रीक्वेंट BCAAs, मोर नहीं, ईट फ्रीक्वेंट BCAAs। BCAAs क्या होता है? BCAAs यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। जो जितने लोग भी वर्कआउट के बाद एक अमाइनो एसिड रिच फूड खाते हैं उनके अंदर मस्कुलर पेन्स या मसल सोरनेस कम होते हैं। ये हो गए न्यूट्रिशन के ऊपर। और अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। देखो, ट्रेनिंग का सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बताऊंगा कि यूज़ लाइटर वेट्स। अगर आप जिम जाते हैं और आप पूरा वर्कआउट हैवी ट्रेनिंग से निकाल देंगे, पूरा अपने मसल्स को एग्जॉस्ट कर देंगे, तो ज़्यादा मसल फाइबर ब्रेकडाउन हो गया और ज़्यादा मसल सोरेस होगी। इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, मसल को धीरे धीरे बढ़ाओ, एक अपने बॉडी को टाइम दो कि उस मस्कुलर पेन को अडेप्ट करने में और मसल सोरनेस क्या है ये कुछ जानने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अपने बॉडी को थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करो। मैं आप जैसे अपना फॉर्म ठीक करो, अब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करेंगे आपकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाएगी, और फिर आप हेवी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट है यूज़ फोम रोलिंग टेक्निक्स। फोम रोलिंग क्या होता है? रबर का एक रोल होता है, उसके ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे कांटों की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं। आपने अगर जिम में अगर होगा तो देखा होगा कि लोग उसके ऊपर ऐसे रोल अपने बॉडी पार्ट को रोल करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप फोम रोलिंग से यूज़ कर सकते हैं और अपना मस्कुलर पेन कम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है गेट वेरी फ्रीक्वेंट मसाज। अपने बॉडी को आप मसाज दीजिए, प्रोफेशनल मसाज सैलून में रख के आप मसाज कर सकते हैं या आप घर पे मसाज कर सकते हैं, ऑयल लगा के मसाज कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्लीप। अगर आप सो रहे नहीं है पूरा 7 से 8 घंटे तक क्वालिटी स्लीप, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी मसल सोरनेस तो कम होगी ही नहीं। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए, उस मसल को रेस्ट करने के लिए। आप जितना रेस्ट करेंगे आप उतना ही ग्रो करने वाले हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो कि मसल सोरनेस या मस्कुलर पेन के ऊपर आप कैसे फास्ट रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।